मौन व्रत अरहर की दाल नहीं है, मौन व्रत चालू है। हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, शादी के तुरंत बाद जाना था। कुछ लोगों को थोड़ी बोरिंग लग रही थी, डॉग्स ने खा ली थी। बहुत ही फेमस टेम्पल है, चिनू जी के इतने मूड स्विंग्स होते हैं। 5-6 हजार का फटका तो अभी लैविश वहाँ पर फ्लैट बन गए। सो अब हम ले रहे हैं अपना खुद का फ्लैट। कनाडा जाने साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं लक। सो जी यहाँ पर है हमारी सुरीली, जिनका है आज मौन व्रत। और आज ये खाने में क्या बना रही हैं वो मैंने बता दिया है। और ये क्या लिखा है, अरहर की दाल नहीं है। अरहर की दाल क्या करनी है, सांभर में डालने के लिए। चल ठीक है, मैं मंगाती हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली 2-3 दिन हो गए हैं। सो मेरे घर में जो खाना बनाती हैं दी, उनका ना दो दिन से तो शुरू हुआ है, मौन व्रत चालू है, 1 महीने के लिए रख रही हैं। तो सारा कुछ जो भी हमारा होता है अभी इशारों पे ही होता है, तो वो नहीं समझा पाती तो वो लिख के बताती हैं और मैं तो बोल के बताती हूँ, ऑब्वियसली मेरा तो है नहीं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यू नो कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, वो देखने लायक होती है। सो आज है ब्रेकफास्ट में डोसा, देन मसाला, आलू मसाला, सांबर और चटनी। बहुत ही यम्मी है आज का मील। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी टाइम हुआ है 3:30, मैं शाह लेके हो गई हूँ रेडी। और आज का देखते हैं कैसा जाता है दिन। हाँ, मुझे लैपटॉप ठीक कराने जाना है जो मैं कल नहीं जा पाई थी अभी की वजह से। सो अभी की वीडियो भी आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए उसके चैनल पे अभी अत्री और देखिए अभी की होम वर्कआउट वीडियो। और दूसरी है कि अभी हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ट्रिप कहाँ की है वो आपको जैसे जैसे यू नो दिन नज़दीक आएंगे आपको पता चली जाएगा। सो वहाँ पर एक्चुअली हम लोगों ने ना शादी के तुरंत बाद जाना था, बट लॉकडाउन था, कोविड था, तो नहीं जा पाए। और उसके बाद भी प्लान बनते बनते रह जाता था, बट वो प्लान अब बन रहा है। सो कमेंट करके बताना कि जो आपां पंजाबी जड़े हुंदे आ ब्याह तो बाद कित्थे जांदे नेगे तुरंत, ठीक है, ब्याह तो बाद। हनीमून वगैरह दा कमेंट मत करना, ठीक है, वो तो अलग ही है, मैं किसी और चीज़ की बात कर रही हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। अभी बनाने जा रही हूँ चाय पी के आपको मिलती हूँ। सो ये गाइज, मैंने नायका से अभी ऑर्डर किया, अभी जो इनकी रिसेंटली हॉट पिंक सेल चल रही थी। और ये सारा है। सो ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये मैं अपने दूसरे चैनल पे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने अभी ऑर्डर किए हैं हॉट पिंक सेल में, वो मैं अपने दूसरे चैनल पे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यू नो लास्ट एक हफ्ते में काफ़ी मेकअप से रिलेटेड वीडियोस मेरे इस व्लॉग चैनल में डल चुकी हैं, जो कुछ लोगों को थोड़ी बोरिंग लग रही थी। तो एक्चुअली ये व्लॉग चैनल है तो मैं इसको व्लॉग चैनल ही रखना चाहती हूँ। सो मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड मेरे नए चैनल पे ही आएगा। सो जो नया चैनल है उसका जो नाम है वो है ग्लैम फिल्टर। सो आप जाइए सर्च कीजिए, अदरवाइज जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, या आप टाइप करके अगर सर्च करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आपको मिल जाएगा। सो अब से जो भी मेकअप से रिलेटेड वीडियोस होंगी, स्किन केयर से होंगी, वो आएंगी मेरे नए चैनल पे। तो जल्दी जल्दी मेरे न्यू चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि फटाफट आने वाली है एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। ये जो डोसा बाटर है ये मैंने घर पे बनाया है। आप लोगों की हमेशा क्वारी आती है कि घर पे कैसे बनाते हो, तो इसमें मैंने 2 कटोरी राइस डाला है और 1 कटोरी उड़द की दाल डाली है। और फिर आप इसको ओवरनाइट ना पानी में भिगो के रख दो, और मॉर्निंग में अच्छे से इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पतला सा बारीक सा पेस्ट बना लो, तो वो इस तरह से बन जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए डोसा, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। So let's make it. इधर बना हुआ है सांबर, और यहाँ पर है मेरा मसाला आलू का, और ये है चटनी। एक्चुअली पहले ना मैं जो डोसा बाटर था वो बाहर से रेडीमेड मंगवाती थी, फिर अब मैंने कहा कि यार इतना इजी है बनाना, बेटर है घर पे बनाओ, बाहर पता नहीं वो लोग प्योर बनाते भी हैं या नहीं बनाते हैं। तो फिर मैंने घर पे ही बनाना शुरू कर दिया, बहुत ही इजी है। और डोसा का जो टेक्स्चर है ना, मतलब खाने के बाद बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होती, और बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है। आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई करना। ओ मुझे लगा। सो
सो इसकी जो लेग है वो ऑपरेट हो चुकी है, बैंडेज वगैरह बंधी है, देख सकती है देखो पूरी लेग इसकी, यू नो डॉग्स ने खा ली थी। सो इसका फुल ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। यो बेबी, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, कैट की लेग्स जो है वो ऑपरेट हो चुकी है। चीनू साहब भी आ गए हैं वापस, और अभी क्या था जो मतलब उन्होंने ब्लड ओवर की ही था होगा रैप करती थी नहीं पट्टी पट्टी थोड़ी रहूंगी 24 घंटे मास्क आए चेंज हिंदी रू नहीं आए स्किन स्किन थोड़ी आ गई हां और पूरी हड्डियां निकली हुई हैं हां जी। सो अभी उसको रैप कर दिया तो अभी थोड़ा सा वो वॉक कर पा रही है ना, पूरी लेग ही उसकी बना दी है। तो अपनी पर ही ठीक है, इतने बॉम्बे का भी पर ही बाहर ना मैं देखा नहीं है। बॉम्बे च अगर स्ट्रीट डॉग भी मतलब हर्ट हुआ होगा ना या जो भी है, यहाँ पर लोग जाके हेल्प करते थे बाकी अगर मैंने पता नहीं देखा नहीं, बॉम्बे का जरूर मैंने देखा है कि उठा के वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सो गाइज आज दे असार भी यहाँ लग रहा है कि मार्केट हो जाएगी बंद और आज भी मेरा लैपटॉप नहीं होएगा ठीक, क्योंकि मैं जाना सीगा दोपहर ठीक कराने वास्ते, बट चीनू साहब कहते नहीं आप इकट्ठे चलोंगे तो 8:30 हो चुके हैं तो पता नहीं हम लैपटॉप मेरा सही होएगा या नहीं होएगा। बट उस तो बाद असी जावांगे हनुमान जी के टैंपल, बहुत ही फेमस टैंपल है मलाड का, अगर बॉम्बे वाले होंगे उन्होंने पता होगा मलाड विच बहुत ही फेमस टैंपल है, इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर। तो वहाँ पर अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, पहले मार्केट जाएंगे फिर वहाँ पर जाएंगे। फाइनली लैपटॉप जा रही हूँ दिखाने। आई एम सेइंग कि चिनू जी के इतने मूड स्विंग्स होते हैं, पर जब ऊपर सीगे तद कहते कि आप पैदल चलते हैं, मैं थल्ले आई कहते आप गड्डी चलते हैं, और फिर कहते आप फिर पैदल चलते हैं, उधर पार्किंग नहीं मिलती होगी, दसो की करना हूँ फाइनल, पार्किंग तो मिलेगी नहीं। चार्जर में डिफेक्ट ना हो, नहीं लाइट नहीं आएगी ना, आ गया वो नहीं बंद हो जाएगा। हाँ तो फिर किस में, कीबोर्ड में? नहीं नहीं अंदर से, अंदर से हाँ। तो कैसे अभी क्या करोगे, खोल के देखना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा। चार्जर ठीक है। सो गाइज अभी जस्ट आई हूँ घर वापस और लैपटॉप दिखा दिया है, तो उन्होंने कहा है कि लैपटॉप के जो चार्जर है उसमें कोई इशू नहीं है, इशू लैपटॉप में है, उसका कीबोर्ड में या प्रॉब्लम है या उसको खोल के देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है किसने। सो मुझे लगता है भी एक बार अगर लैपटॉप खुल गया तो कोई बड़ा सा इशू बता देंगे, और 5-6 हज़ार का फटका तो अभी लग रहा है लगेगा हमको। पता नहीं हुआ क्या है, ब्रांड न्यू लैपटॉप है, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ही एकदम खराब हो गया है। एक दिन पहले अच्छा चल रहा था, मतलब दूसरे दिन खराब। सो पता नहीं अभी क्या ही होगा, वो अभी कल मॉर्निंग में बताएंगे, अभी खोल रहे थे। और मैं अभी घर आई हूँ अभी की शर्ट लेने, क्योंकि जो अभी पहनी हुई थी शर्ट वो बहुत ज़्यादा स्वेट हो चुकी है, उसमें गीली हो चुकी है पूरी, तो अभी शर्ट लेने आई हूँ, चेंज करके फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर। सो आपको अभी मैं मिलती हूँ सीधा गाड़ी में। सो ये है हमारी क्यूट सी कैट जो अभी ठीक हो चुकी है, उसकी लेग इसके अंदर डाल के लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। चली किथे पूछ के ही की है रेट किस चीज दा ओदे फ्लैट दा, मतलब हुन तुसी मंदिर जांदे होए बाबा जी कहंदे तुसी फ्लैट दा रेट पूछ लो की पता आपा ले लिए होनी है ना, पूछन नु की अंदर 2 मिनट लगे, पर इत्थे होऊगा नहीं कोई भी एम्प्टी फ्लैट सारे ने लेते होंगे। फिर फायदा किया देख लेने आ, चलो बहुत होंगे। गाइज अभी हम जिस सोसाइटी में जा रहे हैं ना, पहले अभी सोसाइटी में रहते थे 2016-17 में ना, सो वो जो सोसाइटी थी बहुत पुरानी सोसाइटी थी और 2 BHK में रहते थे, वो सोसाइटी अब टूट के इतने लैविश वहां पर फ्लैट बन गए हैं, पार्किंग 8-9 फ्लोर हो चुकी है। तो अभी चीनू का एकदम मन हुआ कि हम जाते हैं पूछ के आते हैं कि फ्लैट का रेट क्या चल रहा है आउटराइट पे, तो फिर अभी जा रहे हैं पूछ के आते हैं। ये बिल्डिंग है बहुत, और एंट्रेंस क्या बनाया है यार, है ना। सो अब हम ले रहे हैं अपना खुद का फ्लैट और आए हैं यहाँ पर फ्लैट के रेट चेक करने, कुछ बना दिया है ये वाह यार। हम लोग यहाँ पर रहते थे 2016-17 में, तब तो ओल्ड बिल्डिंग थी ना, हमने सोचा था कि थोड़ा लेट जाएंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, 9 बज चुके हैं अभी भी ट्रैफिक का हाल बुरा ही है।
हमको वही लग गया आधा पौना घंटा है ना, अगर बंद हो गया मंदिर तो साढ़े ग्यारह बंद होगा। चलो फिर तो आराम वाली चलो। आ देखो जी चीनू जी तक कनेडा जाते साइड इफेक्ट वोडाफोन तो पोस्ट तो प्री पेड करा लिया गया ते डेटा हो गया खत्म गड्डी दे विच ही ते हुण म्यूजिक नहीं चलेगा। नहीं पता है तू सवेरे यूज कर दी ना देख फिर भी नहीं जो तुसी ऐश कीती है ना पोस्ट पेड दे विच वो प्री पेड च नहीं हो सकती है ना। पहुंच चुके हैं हम और साथ में बारिश भी पहुंच गई है हमारे साथ ही, इतने दिन से हो नहीं रही थी अब अचानक से हो गई। सो अभी सड़क क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है, आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। चिनू साहब दिखा था सही मलाई वाला। मैं क्या होने से आए सारे काम करके जावांगे, अभी घर की चाबियां बनवा रहे हैं, दो डुप्लीकेट चाबी। मत्था टेक चुके हैं ते हुन चीनू जी जाएंगे चाप खान। मैं तो नहीं खानी, चाय खानी। ते रेस्टोरेंट का नाम है का सड़क चाप। चीनू किधर गए? आ जाओ। क्यों होया तो लगे ठोकती? सड़क चाप में चलो। पंजाब जब अपने बंटा मिलता है ना। फाइनली कितने सालों बाद दिखा। पूछ लिया यार मैंने ना बचपन में पिया था, वो भी आई थिंक जब मैं बहुत छोटी होती थी, और आज दिखाई। हाउज इट नाइस। अभी ने ऑर्डर किया है जीरा का और मैंने ऑर्डर किया है काला कट्टा। रेस्टोरेंट ही वेजिटेरियन वैसे तो ये, उन्होंने मैंने बोला कौन सा चटपटा होगा तो इन्होंने ये सजेस्ट किया। कैसा है? हाफ प्लेट ही ऑर्डर किया मैंने, तुम्हारी मलाई वाला फुल है। सो चीनू इज हैविंग मलाई चाप और मैं चटपटा चाप। तो गाइज पेट पूजा भी हो गई, दर्शन भी हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और फिर आपको सीधा आप घर जाके मिलेंगे। वापस आ चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ वॉक करने आधे घंटे के लिए, और ये जो ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। अपना बाय बाय, गुड नाइट।